हेलो दोस्तों, मैं फाजिल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जीएसए के बारे में, एक बेटर के बारे में, एक स्टीवर्ड के बारे में। उसकी कहाँ पे रिपोर्टिंग होती है, उसका क्या सैलरी पैकेज होता है, क्या उसका लाइक ड्यूटी टाइमिंग होती है, तो उसे हम डिटेल में रिकवर करेंगे और सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो गाइज, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीएसए। जीएसए होता है एक गेस्ट सर्विस एसोसिएट, जिसकी फुल फॉर्म होती है। वहीं पर उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमेशा एक जीएसए जो रिपोर्ट करता है, जो उसकी ड्यूटी की लाइक रिपोर्टिंग होती है, वो एक कैप्टन के पास होती है। तो हमेशा एक जीएसए कैप्टन को रिपोर्ट करता है। देन उसकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जीएसए से आपने आईटी और जेटी करने के बाद आप एक जीएसए बनते हैं, एक स्टीवर्ड बनते हैं, और ये हम बात कर रहे हैं एफएनबी डिपार्टमेंट की। एफएनबी डिपार्टमेंट में जब हम जीएसए बनते हैं, तो एक आईटी जेटी कंप्लीट करने के बाद जब जीएसए लेवल में आप जाएंगे, तो सैलरी पैकेज का क्या है कि अलग अलग स्टार कैटेगरी के होटल्स में आप जाते हैं, तो वहाँ पर सैलरी पैकेज थोड़ा अप डाउन भी होता है। तो मोस्ट ऑफ हम बात कर लेते हैं कि एक फाइव स्टार होटल मतलब क्या ऑफर करता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर $14,000 to $16,000। अब इसमें आपकी जो है सैलरी मतलब एक फाइव स्टार होटल आपको एक जीएसए लेवल पे ऑफर करता है। अब डिपेंड करता है कि 1,000-2,000 अप डाउन भी हो सकता है इससे भी, क्योंकि वो आपके इंटरव्यूज आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, या किसी भी प्रॉपर्टी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमाइज जो कंपनी होती हैं, जो मैक्सिमाइज जो होटल्स होते हैं, वो आपको अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादातर होटल आपको इतनी सैलरी ऑफर करते हैं प्लस फूड एंड अकोमोडेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो सैलरी पैकेज मिलता है उससे हटकर भी किसी फाइव स्टार होटल के अंदर मतलब हमारे इनकम के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो ज़रूर बढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपका क्या एक टिप का ऐसा सोर्स होता है कि जितने भी आपके लाइक पॉकेट एक्सपेंस हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंस जो हैं, वो जो भी टिप आती है वहाँ से आप लाइक खर्च कर सकते हैं। और भी आपके इनकम के सोर्स हो सकते हैं लाइक सर्विस चार्ज। अगर फाइव स्टार होटल्स में कुछ में लाइक लगाते हैं सर्विस चार्ज का, एड ऑन करते हैं बिल में, तो वो कंपनी सर्विस चार्ज आपको अगर प्रोवाइड करे, तो वहाँ से आपके इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं, जो भी 2,000, 3,000, 4,000 वो हो सकता है। सेल के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपका 2%, 3% या जो भी सर्विस चार्ज वो ऐड ऑन करते हैं बिल में, वहीं पर आपका है कि पे आउट भी मिलने के चांसेस रहते हैं। अच्छी सेल जिस महीने आप करते हैं, जो भी मंथ आपका लाइक अब रिकॉर्डेड सेल होती है, तो वहाँ पर पे आउट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी मतलब फैसिलिटीज, ये सारे मतलब इनकम के सोर्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसी जगह आप काम कर रहे हैं और किस वे में आप काम कर रहे हैं।